जनपद में इन दिनों डॉक्टरों की भारी कमी चल रही है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और यहां जिले के विभिन्न अस्पतालों में ज्वाइन कर चुके 13 डॉक्टर वर्ष 2016 से अभी तक ड्यूटी से गायब हैं, तो हाल ही में जिले को 19 डॉक्टर मिले थे, जिनमें से 8 ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी होने से मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब इन 13 डॉक्टरों को अंतिम चेतावनी नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त करने का नोटिस भेज दिया है। विभाग ने ड्यूटी से गायब चल रहे सभी डॉक्टरों को एक हफ्ते का समय दिया है, जिसके बाद इन डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और फिर पद रिक्त हो जाएंगे। इसके बाद विभाग द्वारा शासन से अन्य डॉक्टरों की मांग की जाएगी। वहीं मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के झा ने बताया कि पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से डॉक्टर यहां आने को तैयार नहीं है, जिससे जो चिकित्सक यहां मौजूद हैं उन्हीं से कार्य लिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की कमी को लेकर निदेशालय से लगातार पत्राचार किया जा रहा है और जैसे ही जिले को नए डॉक्टर्स मिलते हैं उन्हें आवश्यकता के आधार पर तैनाती स्थलों पर भेज दिया जाएगा। 13 डॉक्टर हैं जो कि अभी ज्वाइन करने के बाद गायब हो रखे हैं। अब बीच बीच में इनको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन फाइनल अब लग रहा है कि ये नहीं आएंगे, इसीलिए फाइनल नोटिस हम लोगों ने दिया है इनको। एक सप्ताह का समय दिया है, अगर ये ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर सर्विस से हटा दिया जाएगा नियम के अनुसार। हमारे पास अभी 96 स्वीकृत हैं, जिसमें से 58 डॉक्टर हैं हमारे पास। तो अभी भी काफ़ी 19 का अपॉइंटमेंट हुआ है MBBS डॉक्टर का, तो उसमें से 11 ने तो ज्वाइन किया है और 8 ने ज्वाइन अभी नहीं किया है। तो उसकी भी हम लोगों ने सूचना अपने महानिदेशालय स्तर पर या शासन में दे दी है कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया उसके बदले में जैसे बताया गया है कि दूसरे डॉक्टर को भेजा जाएगा जो वेटिंग वाले हैं। नहीं, एक तो भौगोलिक स्थिति रुद्रप्रयाग का है, थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा हैं, फिर लोगों को लगता है कि सुगम में हो तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है, या सुगम के नज़दीक कहीं हो, जैसे देहरादून में हो या उसके आसपास हो या हरिद्वार हो या नैनीताल हो, जो कि सुगम या सुगम के नज़दीक हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस हिसाब से कुछ मैंने बाकी भी हो सकते हैं कि उनके मन में हो रहा हो कि दूर आने से दिक्कत हो रही हो उनको, जबकि यहाँ काफ़ी हमारे क्वार्टर भी बने हुए हैं, हॉस्पिटल भी ठीक से ही हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, लेकिन शुरू हवा एक बना हुआ है कि बहुत दूर है, बहुत इसके लिए प्राकृतिक आपदाओं से भरा पड़ा हुआ है, उससे दिक्कत हो सकती है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड न्यूज़, रुद्रप्रयाग।